हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 4:15 बज गए हैं और आरुष जाएगा ट्यूशन में, मैं जाऊंगे मार्केट में। तो घर के जो है सारे काम तो निपट ही गए हैं। चाय बनेगी, वो बनाएंगे चिंकी। तो जी, चलने की करते हैं तैयारी। सबसे पहले कपड़े चेंज करते हैं, गुड्डू के पापा को मैंने बोल दिया है, और फिर जो है अपने खाना बनाने की भी तैयारी करनी है आकर। तब तक प्रीति और भी आ जाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी ऐसा हुआ, मैं तैयार हो गई और ये रह गए। वो तो ठीक है, तो ये होला तैयार तो, पर सामान लिख लिया है, दिमाग भूल जा। हाँ बोलने की नहीं, 3-4 सामान ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक तो है रट लिए, अगर नहीं बोलने की तो उन्हें रट लिए, फिर ठीक है, रट रखे मन्ने। ठीक आगे है कहवे, फिर एक सामान तो रह गया, नोट करके चलते नहीं, मेमोरी पता नहीं कितनी जबरदस्त मानने अपनी। हर बात का तन्ना एक बीवियों को ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता। हाँ पतियों को तो मिलता ही नहीं, पति तो मौज ले रहे सारे। ले नहीं रहे सारा प्रेशर बेचारों के पतियों के ऊपर ही रहे, मैं फिर भी उन्हें बता दिया पत्नियों ने तो उनको मौज ले रहे तो चलो जी चलते हैं, तैयार हैं हम दोनों। कह रही चिंकी, ये देखो मैं चच्चा को यहाँ पे चाय देने के लिए आई थी और चच्चा ने मुझे कहा देख देख किरलिया। कहाँ है किरलिया? कह रहा हमारे यहाँ। ओह ये तो किरलिया है। डर नहीं लग रहा तुझे? बहुत डर लगे मुझे। पकड़िए, ये कुछ नहीं कहता, पकड़ ले पकड़ ले। चिंकी दिखा रही मुझे किरलिया, तो अभी माँ तो जा रही कीर्तन में, पड़ोसियों गई है और मैं चल दी मार्केट में। तो अब तक के तो काम मैंने करा दी भाई, चाय पानी सबको पिला दी, घेर वालों की पैक कर दी, चिंकी दे जाओगी, अब चल रहे और सामान ले। नंदनी आरुषि भी आ गए और वे तो पहुंच गए घर और हम चल दिए खैर आके मिलेंगे, क्योंकि ये सामान लाना भी जरूरी है, फिर नहीं तो दिन छिप जाता, अंधेरा हो जाता बिल्कुल। वैसे ही हम लोग लेट सी चले थे, अभी तो नहीं है मेरी आंखों में भी चोट लग रही। तो अभी सबसे पहले हम जाएंगे सनीधाम पूजा करने के लिए। विचार बदल चुके हैं, विचार बदल चुके हैं, बाद में करेंगे शॉपिंग जो भी कुछ करनी है। तो भाई ये घुस गए हम सनी मार्केट में। ये सनी बाजार हमारे यहाँ लगता है और इसमें टोटली सारी चीजें मिलती हैं, काफी बड़ा बाजार है ये। और इधर ही है सनी धाम, इसी रास्ते पे गरम स्वेटर आ गए भाई, देखो सर्दी निकलेगी ना। ये बहुत दूर से चलते आ रहे हैं हम इसी तरीके से। मंदिर से 100 मीटर पीछे दूरी पे ही खड़े थे हम लोग और उसमें हमें 20 मिनट लगी होगी तय करने में। देवता इस जाम का भी कुछ करो, ये शनिवार को ही लगा है पेठ बाजार में। ये देखो इधर तो भक्तगणों की जो है लाइन लग जा और उधर से बाजार में खरीदारी करने वालों की लग जा। चलो भाई जूते चप्पल निकालने का स्थान और चलते हैं अभी पूजा करने के लिए अंदर। आज तो बैग भी ले रखा, ये देखो इसे वहाँ नहीं टांग सकते बाइक पे। जय श्री देव तो पूजा पाठ हो चुकी है। जय शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज आप सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और आज काल रात्रि माता का दिन भी है तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो भाई दर्शन करने चलते हैं। चलो तो है वो भयंकर वाला ट्रैफिक जिससे हम बचे थे बड़ी मुश्किल से, और अब फिर हमें घुसना पड़ेगा। पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा इस भीड़ में से निकलने में, हमें कितना टाइम लग सके कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं गारंटी थोड़ा ही दे दूंगा इस लोगों निकलने की। गारंटी तो मैं ही नहीं ले रही, क्योंकि वहां से 100 मीटर की दूरी से हमें आने में पूरे 20 मिनट लगे थे। चल बैठ अब कभी देखेंगे कितने लगे। चलो तो थैंक गॉड हम लोग निकल गए। खैर पीछे इतना ज्यादा ट्रैफिक था, नहीं तो बहुत ज्यादा है। अब की बार तो तार लग गया, अब क्या कहना चाहोगे आगे बताइए। चलो चल गए, अभी तो आप बोल नहीं सकते। उस मोड पे से तो और निकल जाओ, बस हम फिर जल्दी चले जाएंगे, घर भी अंधेरा होने से पहले ही चले जाएंगे। ये क्या हो रहा है यहाँ, 2:30 बजे? एक्सीडेंट हुआ दिखे तो
एक्सीडेंट हुआ किसी का, चोट लगी। हर बार का एक ही पैटर्न और ये चूज कर लिया। बर्तनों की दुकान पे पहुंच गए और यहाँ से कन्या जमाएंगे ना तो उनके लिए दक्षिणा में देने के लिए बर्तन एक प्लेट और आगे ये देखो है? ये भी अच्छी है। तो दो साइज देखे टिफिन के, छोटा है ये, इससे कुछ बड़ा है नहीं, ये तो छोटी रह जाएगी। ये हर बार का पैटर्न है, कई बार दे चुके। एक ये प्लेट है लेकिन ये किसी काम की नहीं होती। आइटम ऐसा सिलेक्ट कर जो कुछ काम भी आवे बच्चों के। क्या काम आओगी बताइए? खाने के लिए कहीं ना खाना खाते अच्छा और देख लो कुछ आइटम, बहुत सारे हैं, पूरी दुकान है। ये डिजाइन सब लगे तेरे पे, जितने भी प्रोडक्ट हैं सामने लगे। ले ले ये डिब्बा ले ले, छोटा सा डोल्लू वाला दिखा दो। ये किस रेंज में है भैया? ये किस रेंज? अभी यहाँ से लेंगे हम आरुष के लिए जलेबियाँ। आरुष कई दिन से बोल भी रहा था। ये देखो, ये है यहाँ की बुढ़ाना की फेमस जलेबियाँ। आरुष आरुषी की अलग अलग, दोनों के लिए, तो दोनों के लिए अलग अलग करवा दिए। देखो तो ये घर पहुँच गए हैं और बच्चे कहाँ हैं सारे? माँ बहुत शांति सी हो रही, क्या बात है, है? ऊपर कंप्यूटर वाले में। अच्छा जी, लो जी ले आए सारा सामान। वो वाला थैला भी खोल लो। क्यों? आरुषी का मुंह बन रहा है। आ? मुझे लगता है भयंकर पंगा हुआ है आते ही। आरुषी का मुंह बनना है, देख के आओ जरा, मूड खराब है उसका। आरुषी क्यों नहीं बोल रही? अब किसी ने छेड़ दियो मुझे। नंदनी कह रही देखो बेटे क्या हुआ? नमस्ते। नमस्ते बेटे, जीत रहो तुम तो सब कुछ भूल गए। क्या हुआ मुझे बताओ, है किसी ने कुछ कहा है? क्या बात हो रही? किसने क्या कहा मुझे बताओ। ऊपर घूम कर तुम हमें रास्ते मिले थे लेकिन तुम सोए हुए थे। है भाई, वहीं मिले थे हम, वहीं जिस मोड़ से भी हम गुजरे हैं उस मोड़ पे तुम आ जाते हो। है क्या हुआ तेरे मुंह पर? ना बोल नहीं रही बिल्कुल भी। थर्ड पार्टी से पूछना पड़ेगा हुआ क्या है, जो दो फर्स्ट पार्टी वो नहीं बताने की नंदनी बता सके, वो बिचौलिया रहे हर चीज की चचिंग की बता सके। और माँ ने इन्हें भेजा होगा आलू लेने के लिए, लेकिन नंदनी जिद पे उतर आई है कि मैं लेकर आऊंगी। बेटे 2.5 किलो आलू है, तेरे पे कैसे आऊंगे? ला मुझे दे। माँ या तो लेकर आओगी या तो जिद्दी है ना। देखो आरुषि को क्या कहा किसी ने? मम्मी आप इतने बड़े बड़े टिफिन लाए इस बार। किसी ने नहीं कुछ कहा? आरुष को बुला के लाओ। मुँह क्यों बना रही वा? इसमें तो सारे बच्चों की पूरी रोटी आ जा करेगी। मैं भी लेके जाऊंगी। देखो कितनी हेल्प कर रही, देखो माँ की। और आज सीजन की पहली गाजर हमारे घर में बनने जा रही है। चलो भाई चूल्हा लाएंगे, ठाक है, गैस भी बनाओगे। चलो ठीक है, तो अभी लारी में ठुआ गए। तो ये आ गया किचन का सामान, इसमें है दाल चावल सूजी और हल्दी। जो खत्म हो रहा था किचन में सामान वो ले आए हम। और जी बस ये पान के पत्ते लाए, और सबसे मेन चीज ये माँ ऐसे लाई अब की बार टिफिन। देखो एक कप को जाएंगे डेढ़ बजे है, हाँ 12 टिफिन लेगा ये। ये वाला गिफ्ट है लो बेटा, अब की बार दही इसमें लेके जाना और पराठा इसमें लेके जाना, ठीक है? और ऐसे टांग कर चले जाना हाथ में, ठीक है? ओके बेटा, तेरे पे खोलना है, खोलना है आप पे, पैसा खोल ले, जरा खोल के दिखाना। अब की बार इसके पापा को यही पसंद आए। ये बेटा ऐसे नहीं खुलता है, लाओ हम दिखाएंगे आपको। ये ऐसे करो, ये बहुत टाइट है, ये आपके पापा की पसंद के है। ये तो जाम से हो रहे बिल्कुल। अच्छा ये यहाँ तक होंगे, अनाड़ी ऐसे ही तो हो मेरे जैसे। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे खुल गया, और ये ऐसे, ठीक है? देखो ये तो बहुत आसान है खोलना। देखो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो,
ठीक है, बंद कर दे करें। हाँ ऐसे करो, ऐसे करो और ये 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 क्या बना चाचा जी आपने? भाई ये इलाची है, फूल है, ये कटले का ठंड सी लगी से देनी ले लगाओ। अच्छा जी दियो चलो। जो अगर किसी के पशु को ठंड लग जा, ये देखो चाचा जी देसी नुस्खा अपना रहे हैं। बड़ी इलायची है, क्या की इलायची ली तुमने इसमें? पिताजी और चाचा यहाँ बैठे और चाचा जी जैसे देंगे, देखो आंख भी ऐसी लग रही फोन में जिस तरह लाइट जल रही हो। इतना मीठा गुड़ नहीं खाया जा रहा इस पे, देख लो नहीं तो बदी कर आएंगे। दियो इसका मुंह खोल के, अब बाहर थोड़ा बंद रहा दिखे हो, मौसम चेंज हो रहा है इसके लिए भी। ये देखो इस तरह देना पड़ेगा, ए यो लड्डू सा मुँह में डालना पड़ेगा इसके, बड़ी मुश्किल तक खावेगा। और चाचा जी पिताजी बैठते हैं यहाँ, इनकी मीटिंग यहाँ चले शाम के टाइम जब ये घेर में से आ जाओ। तो भाई ये बना दी प्रीति ने आलू गज्जर और ये हो गया चरती वालों का खाना। और अभी इधर बन रहा छोटे कुकर में बर्ती वालों का, बर्ती वाले कम सही खावे हैं। और कुट्टू का आटा ये वाला बच रहा, ये आज लास्ट हो जाएगा, कल को तो हमारे यहाँ व्रत खुल ही जाएंगे। अभी सबके लिए आटा वैसा लग रहा गेहूँ वाला, तो रोटी से चरती वाले भी कमी खावे यहाँ। माँ का तो फरेज है, माँ तो पूछू माँ ओस खावेगी क्या, एक दो सिट्टी आ जाएगी इसमें बस हो गया काम। तो भाई जब तक ये करवा चौथ का त्योहार संपन्न नहीं होता ना, तब तक जो है प्रेशर इसी तरह रहेगा सभी पुरुषों के ऊपर, न कि नारियों के ऊपर। ये शॉपिंग वॉपिंग जो है रोजाना काम चलता रहेगा, कुछ तो त्योहार मनाने में खर्च होगा, कुछ भाई इनके कपड़े लत्ते गिफ्ट। और ये इतना बड़ा पर्व हो चुका है आज की तारीख में जो करवा चौथ का व्रत है, कि मतलब इतना तो दिवाली का भी क्रेज नहीं रहता जितना करवा चौथ का रहता है। बहुत दिन पहले आदमी खूब मेहनत करता है, खूब मेहनत, मन ने एक दो से पूछा रहा मैं, भाई रात दिन काम पे लगे पड़े क्या बात है, आराम भी कर ले करो, कह ला भाई करवा चौथ आ रहा और तुझे इस चीज की फिक्र नहीं दिखे, मतलब मुझे भी याद दिला। मगर नहीं भाई फिक्र तो बहुत है मुझे भी, और किसी न किसी तरीके से मैं भी जुगाड़ करने लग रहा हूँ और करके ही रहूँगा, ये तो सबको ही करना पड़ेगा। तो भाई फिलहाल जो है सभी पुरुष जो हैं इस चक्कर में न रहें कि भाई स्त्रियों का अपनी पत्नियों के शौक पूरे करें, एक आध कुर्ता अपना भी बनवा लें, क्योंकि भाई हमें भी तो चाहगा, ऐसा नहीं है कि भाई हम इन्हें ही सजा धजा दें, अरे कुछ थोड़ा बहुत 1-2% 5% के लिए अपने लिए भी कर लेना भाई, कुर्ता पजामा नया सा या कुछ ऐसा कुछ जुगाड़, जैसे ये साड़ी वाड़ी चूड़े चूड़ियों की मैचिंग फलाना ढिमकाना लिपस्टिक, मुझे तो पता लगा यार 400-500 रुपए की लिपस्टिक आने लगी है, बताओ भाई। हमारे तो भाई पहले हमने सुना था कि 10-20 रुपए की आती है, बेचने आते हैं भाई ब्रांडेड लिपस्टिक, क्या बात है भाई साहब। अपने लिए भी फिर मैं सोच रहा हूँ मगर कुछ ना कुछ लाऊंगा जरूर, कम से कम जो है वो ही ले आऊंगा, जो वो फुसफुसी वगैरह है ना ऐसे छिड़कने की। चलो तो मैं तुम्हें दे दूंगी गिफ्ट में, और भी कुछ नहीं बस सड़ांद नाम है बस ये। तो चलो भाई इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड, आगे की स्थिति परिस्थितियों से आपको अवगत कराते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय और सबको हमारी राम राम, जय माता दी।